जीवेम शरदः शतम्। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित्त और वा का मतलब है वात। यह स्टार्टअप हमारी परंपराओं के मुताबिक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर आधारित है। एक और स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट भी है। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक अनूठा कंसेप्ट है। इसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोड़ता है।